हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रसाद आर्ट्स। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे आईज। एक्चुअली मैं जिस तरह से अपने कमीशन वर्क और पेंट वर्क में आईज बनाती हूँ, आईज को ड्रॉ करती हूँ, शेड करती हूँ, उस तरह से ही मैं आपको बना के भी दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने एक आई ड्रॉ किया है, उसको शेडिंग भी कर लिया है और दूसरे आई को सिर्फ HB से उस तरह से हल्के हल्के शेडिंग की है और उसको ब्लेंड किया है बस। अब हम लोग दूसरा पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, जो कि आप अगर आपको डर लगता है 10B यूज़ करने से, तो आप लोग पहले 4B स्टार्ट कर सकते हो, 4B फिर 6B, लेकिन मैं डायरेक्ट 10B से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसके पहले HB से थोड़ा सा हल्का हल्का शेडिंग कर दिया है। अब हम 10B से ओनली डार्क पार्ट्स में हम लोग थोड़ा थोड़ा शेडिंग करेंगे। तो जिस तरह से मैं रेफरेंस को ऑब्जर्व करके ओनली डार्क पार्ट में 10B से 10B का यूज़ कर रही हूँ, आप लोग भी उस तरह से ही 10B का यूज़ करो। कोई भी आई को पहले अच्छे से आप लोग थोड़ा सा रेफरेंस को अच्छे से ध्यान से देख के उसका आउटलाइन ड्रॉ कर लो और उसको आपको पहले HB पेंसिल से, सबसे लाइट वाली पेंसिल से हल्का हल्का शेडिंग कर देना है, जो भी पार्ट्स में आपको शेडिंग जिस तरह से आपको दिख रहा है उस तरह से। और उसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आपको डार्क पेंसिल से उसके बाद जहाँ जहाँ जो जो पार्ट्स में डार्क एरियाज हैं वहाँ पर आपको फिर डार्क पेंसिल यूज़ करना है, जहाँ भी आपको दिख रहा है। जैसे कि आईबॉल के भीतर में जो पार्ट आपको डार्क दिख रहा है उस तरह से कर दीजिए, और आईबॉल के चारों तरफ आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा डार्क है, तो वहाँ पे भी मैं 10B पेंसिल का यूज़ करके डार्क पार्ट थोड़ा सा कर दे रही हूँ। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि दो आई जब आप ड्रॉ कर रहे हो तो पहला बात तो कोशिश करें कि दोनों आई को सही से बनाने का। अच्छा, यहाँ पे मैं आई के नीचे वाले पार्ट में बहुत हल्का है तो वहाँ पे मैं HB पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वो पार्ट डार्क नहीं है। तो हम लोग 10B यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, फिर वो रियलिस्टिक अच्छा नहीं लगेगा। तो वहाँ पे आप लाइट पेंसिल, जहाँ लाइट एरिया है वहाँ लाइट पेंसिल यूज़ करना है, और जो पार्ट डार्क है वहाँ डार्क पेंसिल। और जब आप आउटलाइन बनाते हो तो दो आई के बीच एक आई का गैप रहता है, तो आप लोग उस तरह से मेजरमेंट करके आई को बनाओ तो आई सही बनेगा। और ये भूल तो सबसे होता है कि एक आई हमेशा दूसरे आई से मैच नहीं करता, तो वो थोड़ा सा हो ही जाता है। तो उसको लेके आप लोग टेंशन मत लो, वो जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उस तरह से धीरे धीरे ठीक होते जाएगा। और रही बात दूसरा जो पॉइंट था, दोनों आई के बीच एक आई का गैप रहता है उस तरह से। और बहुत टाइम ये भूल होता है कि जो दोनों आई का कॉर्नर है ना, वो सेम लाइन में नहीं बनता, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान से बनाने का कोशिश कीजिएगा। मैंने यहाँ पे आई को 10B से तो शेडिंग कर दिया डार्क पार्ट्स में, और आईब्रो को मैं डार्क पेंसिल से नहीं कर रही हूँ, मैं अभी 2B पेंसिल से हल्के हल्के आईब्रोज बना रही हूँ। और मैं डार्क पार्ट में, मैंने जो डार्क पार्ट किया था वहाँ पे मैं ब्लेंडिंग स्टम्प से उसको ब्लेंड कर दे रही हूँ। अगर आप लोग के पास पतला ब्रश होगा, मेकअप ब्रश, तो आप लोग उससे भी ब्लेंड कर सकते हो। मेरे पास एक ब्रश है, मैंने उसी का यूज़ करके थोड़ा सा ब्लेंड भी कर लिया है। अब आईब्रो को मैं थोड़ा सा और डार्क कर रही हूँ, 2B पेंसिल का ही यूज़ करके मैं थोड़ा सा आईब्रो को और डार्क कर रही हूँ। और आप लोग जब आउटलाइन बनाओ ना, तो आउटलाइन एकदम डार्क मत बना दो, आप लोग आउटलाइन को थोड़ा हल्के हल्के पेंसिल से बनाओ। मतलब एक तो लाइट पेंसिल लो और जितना लाइट हो सके उतना लाइट आउटलाइन ड्रॉ करो, क्योंकि अगर आउटलाइन डार्क ड्रॉ हो जाता है ना, फिर बाद में वो इरेज होता नहीं है इजीली। और अब यहाँ पे हम लोग आई लैशेस बना ले रहे हैं। ऊपर के आई लैशेस को मैं डार्क पेंसिल से ही बना रही हूँ, और नीचे जो आई लैशेस है मैं उसको लाइट पेंसिल से बनाऊँगी। मैं थोड़ा डार्क पार्ट्स को और थोड़ा डार्क कर दे रही हूँ। आई के कॉर्नर शार्ट में भी थोड़ा सा डार्क है, तो वहाँ पे भी मैंने डार्क कर दिया। और नीचे वाले आई लैशेस को मैं लाइट पेंसिल से कर रही हूँ, या आप HB से कर सकते हो या फिर 2B से कर सकते हो, थोड़ा शार्प करके करना।
और राइट तरफ के आईलैशेस राइट तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ नीचे वाले और लेफ्ट के तरफ वाले लेफ्ट तरफ मुड़ेंगे। ये ध्यान रखना आईलैशेस में, सीधा सीधा आईलैशेस मत बना देना। और अब मैं टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर का यूज़ करके हाईलाइट्स कर रही हूँ, बहुत हल्के हल्के, जहाँ पे थोड़ा थोड़ा ही हाईलाइट्स दिख रहा है तो हम लोग को थोड़ा थोड़ा हाईलाइट्स कर देना है। इस वाले आईज में भी मैंने हाईलाइट्स कर दिया है। आप लोग ये ज़रूर ट्राई करिए। और मुझे, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है प्रीति प्रसाद आर्ट्स, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मुझे ये ड्रॉ करके आप मुझे टैग कर सकते हो, मैं आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं आपको वहाँ पे बता दूँगी। तो ये आई मैंने ड्रॉ किया 10B का यूज़ करके, 2B ब्रश, टॉम्बो मोनो इरेजर और HB। ये पे मेरे पास HB स्टेनलर की है, आप लोग कोई भी, और ब्लेंडिंग स्टम्प। तो पहले हमारा आईज कुछ इस तरह से था और फिर इस तरह से हो गया। तो आपको ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने पहले आईज में HB पेंसिल से हल्का सा पहले शेडिंग किया है और उसको ब्लेंड किया है, उसके बाद का ग्रेड लेकर उसमें शेडिंग किया, जैसे कि 10B हो गया। अगर आप लोग को 10B डायरेक्ट और डार्क पेंसिल है वो देने में डर लग रहा है तो आप लोग पहले 4B से स्टार्ट करो। मैंने पहले HB, फिर 2B, फिर 4B, ऐसे करके भी आप लोग कर सकते हो। और लास्ट आप लोग फिर उसको अच्छे से ब्लेंड करके, जो भी आपने ग्रेड लास्ट दिया है उसको अच्छे से ब्लेंड करके फिर उसमें जो भी हाईलाइट्स देना है वो आप लोग हाईलाइट्स दे दो। अगर आप लोग हाईलाइट्स के लिए, मैंने तो टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर का यूज़ किया था, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप लोग पहले ही जगह हाईलाइट्स का है वो छोड़ दो तो आपका हो जाएगा फिर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्राइस का है तो वो अभी मत खरीदो। तो इसी तरह से मैं अपने ड्राइंग्स कमीशन वर्क में आईज़ को ड्रॉ करती हूँ। तो बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप इम्प्रूविंग।